ಯಾವಾಗ ಈ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಆ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಹೋಯ್ತು ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಗಂಡಸರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ನಿಜವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಆನಂದದ ಸಂಗತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದಿನಕ್ಕೊಬ್ಬ ಗಂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗಂಡನೇ ಇಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ತರೋ ತಾಕತ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಆ ತಾಕತ್ ಇದ್ರೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ರಾಮ ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು मुसलमानों की कैफियत पर जितना भी अफसोस करे कमी ही है। मुसलमानों के खामोशी का अब हर कोई फायदा उठा रहा है और जो चाहे मनमानी बयानात दिए जा रहा है। इतना जरूर है कि मुसलमान या मुस्लिम माशरा एहसास कमतरी का शिकार होता जा रहा है। आज आरएसएस के प्रभाकर भट्ट ने तो हद ही कर दी। मुस्लिम खवातीनों पर तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल करते हुए तमाम हदों को ही पार कर दिया। प्रभाकर भट्ट ने हिजाब पर बयान देते हुए कहा कि मोदी ने तीन तलाक पर कानून लाकर मुस्लिम औरतों को मुस्तकिल शौहर दिया, लिहाजा इससे पहले मुस्लिम औरतों के मुस्तकिल शौहर यानी कि परमानेंट हस्बैंड नहीं थे और मुस्तकिल शादियां भी नहीं थी। तीन तीन चार चार शादियां हुआ करती थी, हर रोज अलग अलग शौहर हुआ करते थे। वजीर आजम मोदी ने इन्हें परमानेंट शौहर दिया। कल्लाड़ का प्रभाकर भट्ट आरएसएस का लीडर है और इसने आज तमाम हदों को पार किया है। संकीर्तन यात्रा का मंडा जिले में एहतमाम किया गया था जिसमें इसने ये बोल इस्तेमाल किए। हनुमान जयंती के मौके पर खुले मन से मुसलमानों को लेकर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पर मुसलमानों में गुस्से का माहौल तो देखा जा रहा है, पर अब इस पर क्या रद्द अमल होता है ये भी देखने के काबिल है। यकीनन अब राम मंदिर को लेकर हिंदुत्व तंजीमों का हौसला चौथे आसमान पर है। यूपी में मस्जिदों पर जय श्री राम लिखने के वीडियोस वायरल भी हो रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मुसलमानों को राम मंदिर को लेकर कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर इस तरह मुसलमान इस्लाम इस्लामी तहजीब पर कोई भी कुछ भी बोल दे नाकाबिले बर्दाश्त रहेगा। क्या मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है? आखिर कहां तक ये खामोशी और सन्नाटा चलता रहेगा? लिहाजा कांग्रेस हुकूमत इस पर क्या कार्रवाई करती है ये भी अहम है। हिजाब पर वजीर आला सिद्धरामैया ने क्या बयान दिया, इस पर हंगामा खड़ा कर दिया गया। हिजाब पर जो पाबंदी भाजपा हुकूमत की जानिब से आयद की गई थी उसे जल्द उठाया जाएगा, इतना ही तो उन्होंने कहा था। इस पर भगवा ब्रिगेड और संगियों ने छाती पीटना शुरू किया। अगर हिजाब हटाया जाएगा तो भगवा शाल कॉलेज के तलबाओं को पहनाया जाएगा, ऐसा बयान दिया गया। ये नफरती गिरोह मुल्क में अमन कायम नहीं करना चाहते, ये सभी जानते हैं। लिहाजा बात यहां तक पहुंची है कि अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही है तो हिंदू लड़कियों को भी भगवी शाल पहनाकर भेज दिया जाए, उनके भी सरों को ढाक दिया जाए, लेकिन लड़कों को भगवा मफलर पहनाकर क्यों कॉलेज भेजा जा रहा है? जब लड़कियों का मामला है तो लड़कियां भगवी शाल पहनकर आए और भी अच्छा है, कम से कम इसी शाल के जरिए एक तहजीब ही को फरोग मिलेगा। खैर प्रभाकर भट्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं, क्यों इस तरह पागल और जहनी बीमारों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इन पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही? आरएसएस हो या किसी भी हिंदुत्व तंजीम का फर्द हो, इनके लिए हदों को मुकर्रर करना होगा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी शख्स किसी भी धर्म का हो भड़काऊ अगर बयान देता है तो सुमोटो के तहत फौरन कार्रवाई पुलिस की जानिब से होनी चाहिए, और जब हुकूमत कांग्रेस ही की है तो कार्रवाई करने पर कौन सी रुकावट आ रही है? कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल तो कांग्रेस नहीं खेल रही है? ऐसा भी सवाल लोगों के जहन में आना अब लाजमी हो गया है। इससे भी बढ़कर ताजुब की बात यह है कि मुस्लिम कायदों की खामोशी, कोई मुस्लिम समाज की तमाम खवातीनों को लेकर तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल करता रहे और तमाम मुस्लिम कायद जो हुकूमत में खामोश बैठे रहे, मतलब इनकी गैरत पर ही सवाल खड़ा करना जरूरी हो जाता है। यत्नाल हो मुतालिक हो या फिर ये जहनी मरीज जो अब अपनी सियासत और हिंदुत्व के नाम पर अपनी झोली भरने के लिए मुसलमानों को गाली गलौज और मनमानी बयानात देना जिनका मशकरा बनता जा रहा है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? मुसलमानों को भी याद रखना होगा कि यह खामोश तमाम माशरे को ले डूबेगी। क्या अब मुस्लिम औरतें रोज नए पति बदलती है जैसे भद्दी टिप्पणियों पर भी खामोश रहना होगा? और तमाम आला अफसरान अदलिया इंतजामिया ऐसे खामोश है जैसे कुछ हुआ ही नहीं? मोदी ने तीन तलाक कानून लाने पर मुस्लिम मर्द नाखुश हुए की बात करने वाले जाहिलों को समझना होगा कि अक्सर मामले मुसलमान अपने जमातों में ही हल कर लेते हैं। अगर सही जायजा लिया जाए और हकीकत को बाहर लाया जाए तो मुसलमानों से ज्यादा हिंदू खवातीनों के साथ ही नाइंसाफी ज्यादा होगी, और बराए मेहरबानी किसी और समाज पर निशाना साधने से बेहतर है कि अपने समाज ही की खवातीनों का भला करे और इनके फला बहबूदी पर तवज्जो दे। आज जिस फरोशी का कारोबार बड़े पैमाने पर फैल चुका है, कोई शहर कोई गांव करिया अभी से छूटा नहीं है।
दुर्वा मित्रा की किताब सेक्स लाइफ इन इंडिया के हवाले कमिश्नर अलेक्जेंडर एबरक्रॉम्बी ने 1872 के सवाल के जवाब में मुस्लिम और हिंदू औरतों में जिस्म फरोशी पर लिखा है और शादी की बात को भी वाज किया है। मुसलमानों में शादी निकाह की वजह से मुस्लिम खवातीनों को इंसाफ मिलता है जो हिंदुओं में नहीं मिलता, लिहाजा कई हिंदू औरतों ने इस्लाम कबूल कर लिया, इस तरह की बात भी उसमें दर्ज की गई है। खैर, इस तरह के सैकड़ों दलीलें पेश की जा सकती है। बारहा तलाक खुला को लेकर गलत नैरेटिव चलाया जाता रहा है और वो नैरेटिव चलाने का काम अब भी जारी है मोदी मीडिया के जरिए से। इसके बावजूद भारत में ही इस्लाम को कबूल करने वालों की तादाद रोजाना बढ़ते जा रही है। इससे पहले भी हमने पिछले वीडियो में इस बात को वाज़ किया था कि भारत में महज 5 सालों में 13 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया है और हिंदू धर्म को कबूल करने वाले सिर्फ 30,000 हैं। अगर दलाइल के साथ बहस पर उतरोगे तो बात बहुत आगे जा सकती है, लेकिन समाज में किसी तरह की नफरत फैलाना मुनासिब नहीं है। इसका इल्म संघी विचारधारा के लोगों में नहीं है, इनका तो कारोबारी नफरत फैलाना है और नफरत की आड़ में अपना सियासी कद बढ़ाना होता है। अब तो फिर से मरकज में भाजपा आने वाली है और इसमें हिंदुत्व का अहम किरदार होगा। और हिंदुत्व से मुराद क्या है? हिंदुत्व से मुराद अब इस तरह से पेश किया जा रहा है कि मुस्लिम दुश्मनी को ही हिंदुत्व इस तरह से पेश करते हुए नजर आ रहा है। इस तरह का ध्रुवीकरण अब आम बनता जा रहा है। जो भी हो, प्रभाकर भट्ट पर कार्रवाई का मुतालबा जरूरी है, वरना इस तरह के जहनी मरीज और भी बाहर आएंगे और बेवजह नफरत फैलाने का काम करेंगे। और दूसरी तरफ एहतियात या फिर मसलिहत कहते हुए अपनी बुजदिली का मुजहरा ना करें। और किस बात का इंतजार मुस्लिम समाज या दिगर सेक्युलर पार्टियां तंजीमी इदारों की जानिब से किया जा रहा है, समझ से बाहर है। एक आवाज में कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भले कोई करे या ना करे, मुसलमानों की जानिब से करना जरूरी होगा, वरना मुस्लिम समाज इसी तरह से कम तरीका शिकार होकर इनकी हालत तातारियों से भी बदतर जिंदगी जीने पर ये लोग मजबूर हो जाएंगे। इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हिजाब तब ताकत ही दिया नहीं मिल गया। आ ताकत इधर तरवा प्रयत्न और मारी ये मंडिया गंड मुट्टी देने ला गंड मिट्टी देने ला अंतर सारा ये बुले इल्ले वो बुले हैंड मगले बीबी मुस्कान अंता ಅವಳು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಾಹೋ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹೋ ಅಕ್ಬರ್, ಇಲ್ಲರ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ. ಭಾರತದ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹೋ ಅಕ್ಬರ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಾಮ್ ರಾಮ್, ಬಾರ್ ಬಾರ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್, ಅಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮುಸ್ಕ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನೀವು ಮುಸ್ಕ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅವಳು ಹೇಳಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೆ, ಹೋಗ್ಲಿ, ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅವಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅವಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಹೇಡಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು. ಯಾವಾಗ ಈ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು, ಆ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಹೋಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಗಂಡಸರಿಗೆ, ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು. ನಿಜವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಆನಂದದ ಸಂಗತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಿನಕ್ಕೊಬ್ಬ ಗಂಡ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗಂಡನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಲಾಖ್ 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 ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನನಗೊಬ್ಬ ಗಂಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು. ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ತಗಳಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಪೊಲೀಸರು ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ.